हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी किंग पे। ये मैं सेकंड वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने ग्रामर प्लस वोकैब सीरीज़ की। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ पर बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए अलग से ग्रुप रहेगा, जहाँ पर आपको डेली न्यूज़पेपर, नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। आइए आज देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले आपको ट्राई करना है इस पार्ट के अंदर जो एरर है उसको पकड़ने की, ठीक है? तो कोशिश कीजिए कि इस पार्ट में क्या एरर है। वीडियो को पॉज करके आप ये चेक कीजिएगा। आई होप कि आपने कोशिश कर ली होगी, ठीक है? अभी मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये सेंटेंस में क्या बोला गया है। इट्स द जॉब ऑफ द अथॉरिटीज टू क्रैक डाउन ऑन होर्डर्स एंड प्रॉफिटर्स सो दैट द मासेस डोंट बियर द बर्नट ऑफ शॉर्टेजेस। यहाँ पर बोला गया है कि अथॉरिटी का जॉब है, उनका ये काम है कि वो जो होर्डर्स है यानी कि जमाखोर हैं, प्रॉफिटर्स हैं यानी कि मुनाफाखोर हैं, उनके ऊपर लगाम लगाए जिससे कि मासेस यानी कि जनता को जो है चीज़ों की कमी के कारण परेशानी ना हो, ठीक है? तो ये यहाँ पर बोला गया है। अब इसमें जो ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो इट्स इसने यहाँ पर इस्तेमाल किया, इसकी जगह पर यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना चाहिए था ये, यानी कि इट के बाद एपोस्ट्रोफीस का इस्तेमाल होना चाहिए था, जिसका मतलब हो जाता है इट इज, ठीक है? तो हमें यहाँ पर वर्ब की जरूरत थी। इट्स द जॉब, अब याद रखिएगा पॉजेसिव केस है ये, तो इसके बाद डायरेक्टली नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पर बीच में आर्टिकल है, तो यहाँ पर हमें जो स्ट्रक्चर चाहिए था वो चाहिए था इट इज़ द जॉब, ठीक है? जो इट्स है यानी कि ये, जहाँ पर हम एपोस्ट्रोपीएस का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है डायरेक्टली नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमें ये इट्स चाहिए था, ये वाला नहीं चाहिए था, ठीक है? और वो कैब वाला पार्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, कोशिश कीजिए इस पार्ट में क्या प्रॉब्लम है वो बताने की। वीडियो को रोक दीजिए यहीं पर और कोशिश कीजिए कि इसमें क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है। चलिए, आपने कोशिश कर ली होगी। पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या बोला गया है। यहाँ पर इस सेंटेंस में बोला गया था 38-year-old प्लेयर बींग ऑन ए सेबेटिकल सिंस ही लास्ट सपोर्टेड द नेशनल कलर एट द 2019 वर्ल्ड कप इन इंग्लैंड। तो याद रखिएगा ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे 38 years old अगर हम कर देते तो ये गलत होता, तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है। बींग ऑन, देखिए जो वोकैब पार्ट है वो भी यहाँ पर गिवन है। सेबेटिकल मतलब विश्राम, तो बोला 38 साल का खिलाड़ी जो है, जो कि अब ये बींग जो है यहाँ पे स्टेट बताने काम कर रहा है, जो क्या है विश्राम अवस्था में है, कब से है सिंस, ये बता रहा है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन इवेंट। ही लास्ट सपोर्टेड द नेशनल कलर, अब यहाँ पर जो लिखा कलर, इसकी जगह पर यहाँ पर आना चाहिए था कलर्स। याद रखिएगा कलर्स जो होगा वो नेशनल फ्लैग को रिप्रेजेंट करता, तो सपोर्टेड द नेशनल फ्लैग यहाँ पर, ना कि कलर। कलर का मतलब तो हो जाएगा रंग आपका, तो यहाँ पर कलर की जगह पे कलर चाहिए था। यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया सेबेटिकल मीन्स होता है विश्राम, और ये एक नाउन है, ठीक है? इसका जो प्लूरल होगा वो होगा सेबेटिकल्स। इसकी जो डेफिनेशन है वो एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लीव फॉर अ पर्सन्स यूजुअल परस्यूट्स। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर देखें कि इस पार्ट में क्या प्रॉब्लम है। वीडियो को यहीं पर रोक दीजिए और कोशिश कीजिए फाइंड आउट करने की कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। आई होप आपने देख लिया होगा। तो देखिए पहले इसमें क्या बोला है। वर साइमन रैक्स एंड मेगन मार्कल्स डेटिंग रूमर्स ट्रू और जस्ट अ फॉल्सी। इन अ रिसेंट एपिसोड ऑफ द हॉलीवुड स्रा पॉडकास्ट द एक्टर ओपन्ड अप अबाउट हाउ ही ब्राइब्ड बाय ब्रिटिश टेब्लॉइड्स टू लाई अबाउट द रिलेशनशिप। तो यहाँ पर ये बोला गया है, पहले तो एक क्वेश्चन की तरह इसको रखा गया है कि साइमन के बीच में और मेगन के बीच में
जो डेटिंग रूमर्स थे वो क्या वो सच थे? रूमर्स मतलब अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, अफवाह, ठीक है, यहाँ पर बोला उसका मतलब क्या होता, अफवाह, तो वो सच थे या वो झूठ था। तो इन रिसेंट एपिसोड्स, ठीक है, अभी एक पत्रिका है उसमें इन्होंने माना कि उसके लिए इनको जो है घूस दी गई थी ताकि वो इस रिलेशनशिप के बारे में झूठ बोले, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि ग्रामेटिकली क्या चीज़ गड़बड़ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए बाई ब्रिटिश टिब्लोइड्स, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये डूअर हुआ। तो अगर यहाँ पर ये है तो यहाँ पर ही जो है यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ और ब्राइब्ड वर्ब हुआ, लेकिन क्योंकि डूअर यहाँ पर ब्रिटिश टिब्लोइड्स है तो इसका मतलब हमें यहाँ पर एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव स्ट्रक्चर चाहिए था। तो ही वाज, ठीक है, ही वाज ब्राइब्ड बाई ब्रिटिश, तो यहाँ पर हमें ये स्ट्रक्चर जो है रीराइट करना पड़ेगा, ही वाज ब्राइब्ड बाई ब्रिटिश टिब्लोइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पैसिव, याद रखिएगा जब सब्जेक्ट जो है रिसीवर होगा तो उस केस में हमें पैसिव स्ट्रक्चर यूज़ करना होता है। पैसिव स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या करना होता है कि जो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके बाद हम लोग V3 स्ट्रक्चर जो है मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना था अबाउट हाउ ही वाज ब्राइब्ड। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा सब्जेक्ट अगर रिसीवर है किसी एक्शन का, वो डूअर नहीं है, तो उस केस में स्ट्रक्चर जो है पैसिव में जाता है। आप कोशिश कीजिए इसमें एरर निकालने की, फिर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो को रोक दीजिए और कोशिश कीजिए इसमें एरर फाइंड आउट करने की। आई होप आपने कोशिश कर ली होगी। तो देखिए यहाँ पे कांग्रेस एमपी शशि थरूर सेड ऑन सैटरडे दैट ही हैड रीच्ड एन एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ ए डिफेमेशन कंप्लेंट ही फाइल्ड अगेंस्ट यूनियन मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद, ठीक है। एक बात तो ये भी याद रखिएगा कि अगर पोस्ट का नाम और पोस्ट होल्डर का नाम आ जाए तो वो आर्टिकल नहीं लेता। अगर यहाँ पे सिर्फ होता यूनियन मिनिस्टर तो क्या होता, अगेंस्ट द यूनियन मिनिस्टर भी यूज़ किया जा सकता था। जैसे प्राइम मिनिस्टर मैंने कहा तो द प्राइम मिनिस्टर आएगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहता हूँ तो वहाँ पर आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो ठीक है। अब मुद्दा ये है कि अगर आप देखें यहाँ पर फाइल्ड लिखा है और यहाँ पर देखिए हेड प्लस V3 का स्ट्रक्चर है और बोला गया है ये बात शनिवार को, तो शनिवार से पहले ही दोनों एक्शन हुए होंगे, ठीक है। यानी सबसे पहले क्या हुआ होगा, फाइल करने का काम, उसके बाद एक एमिकेबल, देखिए क्या है, मैत्रीपूर्ण, डिफेमेशन मतलब क्या है, मानहानि, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि कांग्रेस एमपी शशि थरूर का ये कहना है, कब कहना है ये, शनिवार को, कि वो एक मैत्रीपूर्ण सेटलमेंट के ऊपर जो है जो मानहानि का कंप्लेंट उन्होंने की थी किसके खिलाफ, रविशंकर प्रसाद के खिलाफ, तो उस पर वो एक मैत्रीपूर्ण समझौते पर वो पहुंच गए, ठीक है। यानी कि वो जो है मानहानि का केस कहीं ना कहीं पे वापस ले रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि अगर कोई ऐसा इवेंट आते हैं पास्ट का जहाँ पर हम पास्ट से पास्ट मूव करते हैं, अब यहाँ पर केस ये हो गया है कि यहाँ पर दो नहीं केस हो गए हैं तीन। तो याद रखिएगा कि जो प्रेजेंट से पास्ट की तरफ हम जाते हैं तो V2 हमें मिलेगा, और उससे और ज़्यादा पास्ट जाएंगे तो चाहे दो इवेंट हो या तीन, वो हेड प्लस V3 में हम ले सकते हैं, ठीक है। ये मूवमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर ही फाइल्ड नहीं हो सकता, यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा ही हैड फाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पे आएगा ही हैड फाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इसे पास्ट परफेक्ट में रखना होगा क्योंकि ये बात पास्ट की हो चुकी है, ठीक है। पास्ट के किसी एक पॉइंट से पहले ये चीज़ आपकी हुई है तो उसे हमें पास्ट परफेक्ट में रखना पड़ेगा, ठीक है। वो कैब वाला पार्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें आप क्या एरर है वो पकड़ने की कोशिश करें, फिर मैं आगे आपको बताऊँगा। रोके वीडियो को और कोशिश करें इसमें फाइंड आउट करने की। चलिए पहले तो वोकैब वाला पार्ट करते हैं। कंसील का मतलब छिपाना, पैथागोन मतलब रोगजनक, क्लैंपिंग डाउन मतलब नीचे उतरना। तो देखिए क्या बोला इसमें, क्वेश्चंस आर नाउ बीइंग ब्रॉट अप ओवर वेदर बीजिंग कैन बी हेल्ड लीगली रेस्पॉन्सिबल फॉर कंसीलिंग द पैथागोन मतलब रोगजनक एंड क्लैंपिंग डाउन मतलब नीचे उतारना ऑन रियल इंफॉर्मेशंस फ्रॉम बीइंग डिस्पेंस्ड। तो यहाँ पर बोला गया है कि क्या बीजिंग के ऊपर कोई लीगली हम उसको रेस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, किस लिए,
क्योंकि दुनिया का मानना है कि उसने चीज़ों को छुपाया है, जो कोरोना वायरस है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को उसने छुपाया है। तो यहाँ पे जो एरर वाला पार्ट है वो ये है कि इन्फॉर्मेशन एक ऐसा नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता, हमेशा इसको सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशंस नहीं किया जा सकता, इसको लिखना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।